सो वेलकम बैक टू गेमिंग एरा। तो क्या हाल है आप सब लोगों की, उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया ही होगा। तो वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं परितोष के साथ। तो परितोष ने कल एक शॉर्ट क्यू एंड ए सेशन किया जहां पर उन्होंने काफी चीजों के बारे में बात करी, लाइक उनको कोई आइडिया नहीं कि फिनेटिक ऑफिशियल तौर पर कब वापसी करेगी इंडिया में, एंड उन्होंने अपने और स्काउट के बीच के बॉन्ड के बारे में बात करते हुए ये कहा कि लोग सोचते हैं कि उनकी लड़ाई हो रखी है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी था पहले वो सब गेम के अंदर था, गेम के बाहर वो अभी भी एक अच्छा फ्रेंड है। ऑल्सो उन्होंने बताया कि ओवेश उनको वन ऑफ द बेस्ट राइजर लगता है, और जितने सारे नोट्स उन्होंने किसी को बनाते नहीं देखे जितने ओवेश ने बनाए हैं। ऑल्सो आने वाले टाइम में शायद वो स्लॉट्स की सच्चाई के बारे में एक वीडियो बनाने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं राइट गेम्स के बारे में। तो राइट गेम्स ने नॉर्डविन गेमिंग के साथ मिलकर के अनाउंस किया वैलोरेंट कॉन्कर चैंपियनशिप, जो एज अ क्वालिफाइंग इवेंट होगा वैलोरेंट चैंपियनशिप टूर 2021 के लिए। आपको वीसीसी यानी वैलोरेंट कॉन्कर चैंपियनशिप में एक अल्टीमेट बैटल देखने को मिलेगा साउथ एशियन टीम्स में, जो थ्रोन के लिए फाइट करेंगी। जीतने वाले को मिलेगा $33,000 का प्राइस पूल, और साथ ही स्पॉट इन एपीएससी लास्ट चांस क्वालिफाइज वैलोरेंट चैंपियनशिप टूर 2021 के लिए। और इस टूर्नामेंट में 6 क्वालिफायर्स होंगे, इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, श्रीलंका और मालदीव्स, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान, एंड वाइल्ड कार्ड। एंड वीसीसी के रजिस्ट्रेशन 15 जून से स्टार्ट हैं। अब बात कर लेते हैं फ्री फायर के बारे में। तो रिसेंटली फ्री फायर ईस्पोर्ट्स इंडिया ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम फ्री फायर ईस्पोर्ट्स इंडिया ने पहली बार अपने इवेंट में 1.8 मिलियन की लाइव वॉचिंग अचीव करी, जो ऑन स्क्रीन आप देख सकते हो। अब इससे पहले किसी भी ईस्पोर्ट्स इवेंट ने इतनी हाई वॉचिंग अभी तक अर्न नहीं करी, एक्सेप्ट चाइनीज प्लेटफॉर्म्स। अब बात कर लेते हैं माइलस्टोन के बारे में। फर्स्टली रेबल ने कंप्लीट कर लिए 400 के सब्सक्राइबर्स यूट्यूब पर, दलजीत ने फर्स्ट टाइम हिट करी 20K की वॉचिंग, आई मैजिक ने कंप्लीट कर लिए 100 के सब्सक्राइबर्स यूट्यूब पर, स्काउट ने कंप्लीट कर लिए 200 के फॉलोअर्स ट्विटर पर। तो यार मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम एंड ऑल देयर फैंस। अब बात कर लेते हैं गॉडल के बारे में। तो रिसेंटली जिस वीडियो का गॉडल फैंस को इंतजार था, यानी कि गॉडल बूटकैंप टूर का, वो वीडियो अपलोड हो चुकी है गॉडल अमर चैनल पर, वो आप जाकर के चेकआउट कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं विलेजर ईस्पोर्ट्स के बारे में। तो रिसेंटली विलेजर ईस्पोर्ट्स ने क्लिप अपलोड करी लैन इवेंट के बारे में, जिसपे गेमर्स लाइक स्काउट, मैक्स कैश, ओवेस, सांगवान, रेगल्टॉस एंड और भी काफी सारे गेमर्स ने रिएक्ट किया। सबका यही कहना है कि लैन इवेंट वाली फीलिंग्स है जल्दी फिर से आने वाली है। वेल गाइज, आप कितना मिस करते हो लैन इवेंट्स को, और आपका फेवरेट लैन इवेंट मोमेंट कौन सा था, मुझे आज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब बात कर लेते हैं 420 के बारे में। तो 420 रिसेंट हुए मैटर की वजह से लाइव स्ट्रीम नहीं कर रहे थे, एंड अभी उन्होंने वापस से यूट्यूब पर कमबैक करने के बारे में बात करी, एंड ये कहा कि आज से वो कमबैक करने वाले यूट्यूब पर। अब बात कर लेते हैं रेगल्टॉस के बारे में। तो रिसेंटली हुआ कुछ ऐसा कि रेगल्टॉस के एक फैन क्लब ने कुछ स्टोरी शेयर करी थी जो रेगल्टॉस को हर्ट कर गई, एंड रेगल्टॉस और गोल्डी भाई भी अपसेट हुए थे रिसेंटली, क्योंकि कुछ एसिटीएल फैन क्लब्स आपस में लड़ाई कर रहे थे और अब्यूज कर रहे थे एक हेटर को एसिटीएल मेंबर के कमेंट सेक्शन में। एंड गोल्डी भाई रेगल्टॉस के बारे में ये कहते हैं कि सब चिल करो, सब चीजें अपनी जगह वापस परफेक्ट होंगी, कीप अप गुड वाइब्स विद रेगल्टॉस, अभी उनके लिए स्ट्रेस का टाइम है। ऑल्सो गोल्डी भाई लाइव ये कहते हैं कि हो सकता है रेगा को कोई लाइफ प्रॉब्लम हो या कोई स्ट्रेस हो, तो आप सबको मोटिवेट किया करो। अब बात कर लेते हैं पैराबॉय के बारे में। तो कुछ समय पहले मैंने आपको बताया था कि पीईएल में पैराबॉय वो अकेले प्लेयर है एंड फर्स्ट प्लेयर है जिसने 1000 इंडिविजुअल किल्स अर्न किए। तो उसी माइलस्टोन पर काफी गेमर्स ने वापस से बात करी। ऑल्सो फॉरेन प्लेयर्स की बात करें तो आरआरक्यू जिनकी हैप्पीली वेडिंग हो चुकी है, एंड उनको और मेलेनी को यार आप सेम ब्यूटीफुल फ्रेम में आप देख सकते हो ऑन स्क्रीन, प्यारे लग रहे हैं अब दोनों। अब बात कर लेते हैं फार क्राई के बारे में। तो फार क्राई गेम सीरीज में फार क्राई 6 गेम की अगर बात करें, तो फार क्राई 6 लॉन्च होगा अक्टूबर 2021 में, जिसके बारे में यूबीसॉफ्ट जो प्रोड्यूसर कंपनी है उन्होंने बात करी। हालांकि इनिशियल डेट जो निकल करके आ रही है वो है 7 अक्टूबर। अब बात कर लेते हैं फोर्स वन और लेक्सटम ईस्पोर्ट्स के बारे में। तो इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन के कोलैबोरेशन के बाद ये ऑफिशियली अपना बीजीएमआई ईस्पोर्ट्स लाइनअप अनाउंस करने वाली है जल्दी। आपको क्या क्या लगता है कि इनके लाइनअप में कौन कौन हो सकता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब बात कर लेते हैं फोर्टनाइट के बारे में। तो फोर्टनाइट गेम हमेशा से नए यूनिक इवेंट्स और स्किन्स लेकर के आते रहता है, एंड हाल ही में एक न्यू स्किन फोर्टनाइट में देखने को मिला, वो है मिस्टबॉर्न केल्सियर की। अब बात कर लेते हैं कॉल ऑफ ड्यूटी के बारे में। तो कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल में एक और नया फीचर आने वाला है, वो है क्लैन वॉर्स। एनी एक्साइटिंग फीचर में ऑफिशियली कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल में देखने को मिलेगा 1 जून से। अब बात कर लेते हैं स्काउट के बारे में। तो रिसेंटली स्काउट जब स्ट्रीम कर रहे थे तो स्काउट ने काफी चीजों के बारे में बात करी, जैसे उन्होंने डायनेमो के बारे में ये कहा कि वो डायनेमो को 1 के सब्सक्राइबर से जानते हैं, एंड अगर आप 3 साल पुरानी वीडियो पे जाओगे तो वो साथ डिस्कस कर रहे हैं उस वीडियो में कि कौन सा गेम खेलना है। ऑल्सो मॉर्टल के बारे में उन्होंने ये कहा कि उन्होंने मॉर्टल से काफी कुछ सीखा है, खासकर टफ सिचुएशन में भी काम रहना, एंड जब वो कैरी मिनाटी से फर्स्ट टाइम मिले थे तो वो काफी सरप्राइज थे कि यार वो कैरी मिनाटी से मिलने वाले हैं, एंड आज की डेट में तो अच्छे दोस्त हैं उनके लिए, अभी वो कैरी मिनाटी कम और अजय नागर ज्यादा है। ऑल्सो उन्होंने अपने और गोल्डी भाई के बॉन्ड भी शेयर किया, एंड ये बताया कि वो प्रोफेशनल नहीं बल्कि पर्सनल लेवल पर बहुत ज्यादा क्लोज है, जो डाउनफॉल में हमेशा साथ रहे।
अब बात कर लेते हैं डायनेमो के बारे में। तो रिसेंटली डायनेमो को एक फनी सुपर चैट आती कि वो एक यूट्यूब चैनल क्यों नहीं ओपन कर लेते। तो डायनेमो इस पे रिस्पॉन्ड करते कि वो सोच रहे कि वो क्वालिटी चैनल बना लेते हैं एंड उससे वो लाइव स्ट्रीम चालू कर दें, फिर पट से हेडशॉट भी देंगे, स्मोक में एडजस्ट भी करेंगे। तो यार बेसिकली वो ऑडियंस के साथ फन करते हैं। अब बात कर लेते हैं गोल्डी भाई के बारे में। तो रिसेंटली उनसे उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने वहाँ पे आंसर देते हुए ये कहा कि उनका 14 साल का लव अफेयर था एंड फिर उनकी लव मैरिज हुई एंड एक हेल्दी रिलेशनशिप उनका अभी चल रहा है। अब बात कर लेते हैं पीएमपीएल अरेबिया के बारे में। तो पीएमपीएल अरेबिया के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो पीएमपीएल अरेबिया में टीम जॉम्बीज के प्लेयर सल है, उनपे ये एलिगेशन लगे कि उन्होंने पीएमपीएल अरेबिया में हैक यूज करके किल किया था जीएक्सआर को एंड गेम में चीट यूज कर रहे हैं लाइक ईएसपी। तो आपको क्या लगता है कि मैनेजमेंट टीम अगर इस इशू पर इन्वेस्टिगेशन करेगी तो क्या कंक्लूजन निकल करके आएगा, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब बात कर लेते हैं जोनाथन के बारे में। तो रिसेंटली जोनाथन टीएसएम के साथ स्क्रिम्स खेलते हुए नजर नहीं आए। तो बेसिकली हुआ कुछ ये कि उनके घर पे अभी रेनोवेशन का काम चल रहा है, मतलब पूरे नए तरीके से मॉडिफिकेशन चल रहा है। अब बात कर लेते हैं पंक के बारे में। तो रिसेंटली पंक के गेम प्ले को काफी हाईलाइट चैनल्स ने अपलोड किया एंड उसी चीज पर पंक ने ये कहा कि दोस्तों पहले मुझे तो अपलोड करने दो, क्लिप्स वगैरह बाद में कर लेना, विदाउट परमिशन सही बात नहीं है। अब बात कर लेते हैं बीजीएमआई के बारे में। तो हाल ही में एक न्यूज जो सामने निकल के आ रही है वो ये है कि बीजीएमआई गेम 18 को नहीं बल्कि 15 तारीख को लॉन्च होगा एंड सुबह 6:30 बजे तक गेम प्ले स्टोर पर शो होने लगेगा। वेल आपको इस न्यूज में कितनी सच्चाई लगती है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो बस यार यही थी आज की सारी गेमिंग न्यूज एंड अपडेट। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मैं भी चलता हूं और मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। साइनिंग ऑफ।